बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाली है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इस बार ताजपोशी विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, इसलिए उनके लिए ये राह इतनी आसान नहीं है, बल्कि उनके लिए चुनौतियाँ काफी बढ़ गई है। जबकि हाल ही में हुए उपचुनाव परिणाम आने के बाद से बिहार में जहां महागठबंधन का मनोबल बढ़ गया है, वही हार ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। यही नहीं, हार के बाद नीतीश के नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं। उपचुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने दूसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के लिए इस बार राह आसान होगी, क्या वो अपने सामने आने वाली इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो नीतीश कुमार की राह पर मुश्किल बनकर खड़ी है। तालमेल की कमी। उपचुनाव में हार की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी रही। नीतीश कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को साथ लाकर उनके बीच का तालमेल ठीक करे। 2020 का विधानसभा चुनाव। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की इस घोषणा के बाद नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण और तीन तलाक मुद्दे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण और तीन तलाक जैसे मुद्दों के गरमाने के पूरे आसार है। इन मुद्दों को कैसे हैंडल करेंगे नीतीश कुमार, ये खास बात होगी। बीजेपी नेताओं पर कंट्रोल। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयान पर जेडीयू नेताओं को कंट्रोल करना भी नीतीश कुमार के लिए चुनौती साबित होगी। उपचुनाव के नतीजे। उपचुनाव के परिणाम के बाद महागठबंधन की तरफ से चुनौती बढ़ गई है। वो इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बहाने विरोधी नीतीश के यूएसपी पर सवाल उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालत भी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। विकास का मुद्दा। सुशासन और विकास के सहारे चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार से विकास को लेकर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। टिकट का बंटवारा। 2020 में एनडीए में टिकट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा होगा। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए जेडीयू कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। बेहतर परिणाम के लिए नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी या नहीं, इसका फैसला भी जल्द से जल्द लेना होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के कई नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। नीतीश कुमार सामाजिक कार्यों के जरिए जनता के बीच पैठ बढ़ाना चाहते हैं। सात निश्चय लेकर जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। किसका देंगे साथ। नीतीश कुमार ने दो बार गठबंधन को छोड़ा है, एक बार बीजेपी का साथ छोड़ा तो दूसरी बार महागठबंधन का साथ। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में अभी भी सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे। इस सवाल का जवाब भी नीतीश को मजबूती से देना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह नीतीश कुमार इन मुश्किलों को पार करते हैं।